अभी मैं हूँ इंडिया के साउथ मोस्ट टिप, वो खूबसूरत सा विवेकानंद वल्लभर जी के चरण तक आ चुके हैं। कन्याकुमारी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट सनराइज। दोस्तों कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है, हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। अभी मैं हूँ इंडिया के साउथर्न मोस्ट टिप में कन्याकुमारी में। कल शाम 5:20 में हमारा ट्रेन था चेन्नई से और सुबह अराउंड 6 हम लोग पहुँच चुके हैं कन्याकुमारी। अभी मैं हूँ होटल तमिलनाडु जो TTDC का प्रॉपर्टी है। नॉन सीजन का टाइम है, हमने 4-bedded रूम लिया है जिसका चार्जेस पड़ा है 2100 और सीजन टाइम में इसी रूम का चार्ज पड़ता है 2600। ये रहा प्रॉपर्टी TTDC का, काफ़ी खूबसूरत सा प्रॉपर्टी है। ये है इसका पार्किंग एरिया और मैं आपसे क्या कहूँ, सुबह हम लोग जब 6 आए थे बहुत सारे मोर देखे हमने। अभी तो धूप हो चुका है, सुबह बज रहा है 9:50, धूप हो चुका है, मोर नहीं दिखाई दे रहे और मैंने सुबह कैप्चर नहीं किया, कल सुबह पक्के से आपके लिए कैप्चर करूँगा। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ के रेस्टोरेंट में। ऑर्डर दिया हमने ओनियन डोसा, देखते हैं डोसा कैसा है और इसके बाद हम लोग घूमने निकलेंगे आज कन्याकुमारी और आपको भी घुमाएंगे कन्याकुमारी। चलिए बने रहिए, पूरे एपिसोड को एंजॉय कीजिए। आई होप यू लाइक इट और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और दोस्तों रिलेटिव्स में शेयर जरूर से करें। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं इस प्रॉपर्टी का हमारा 4-bedded रूम। ये नॉन एसी 4-bedded रूम है, आप देख सकते हैं 2 है सामने, आईना लड़कियों के सजने के लिए, इरा टीवी और कपड़े सुखाने के लिए भी जगह दी गई है। इरा वॉश मशीन और 2 है जिसमें टॉयलेट एक इंडियन है और एक वेस्टर्न है। कह सकते हैं 2100 में नॉन सीजन टाइम में काफी अच्छी रूम है जहां 4 लोग आराम से रह सकते हैं, काफी बड़ा रूम भी है। चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद आपको घुमाते हैं कन्याकुमारी। आप देख सकते हैं यहाँ का रेस्टोरेंट और देखिए हमने ऑर्डर किया था ओनियन डोसा और ये इडली सांभर खा रही है। चलिए इसे खाते हैं फिर आपको घुमाते हैं कन्याकुमारी। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत सा समुद्र। आज का दिन का शुरुआत हम लोग यहीं से करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग घूमने जाएंगे वो रॉक जहाँ पर 1892 में स्वामी विवेकानंद जी ने एनलाइटमेंट लिया था। उसी के पास में है थिरुवल्लुवर जी का वो स्टैचू जो काफ़ी बड़ा स्टैचू है और इस समुद्र के उल्टे साइड में ही आप लोग देख सकते हैं हमारा होटल तमिलनाडु। काफ़ी अच्छे स्पॉट पर ही हमारा होटल, सो आप लोग जो भी कन्याकुमारी आए आप इसे बुक कर सकते हैं। चलिए आज का दिन का शुरुआत करते हैं यहीं से, घुमाते हैं आपको कन्याकुमारी। ये रहा कन्याकुमारी बीच के सामने का बाजार। दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा जेटी और जेटी पॉइंट है ये सही। आप घूमते घूमते उधर से आइएगा और इस पॉइंट पे आकर आप जेटी के लिए टिकट कटाइएगा। चलिए चलते हैं और जेटी का टिकट कटवाते हैं। इस जेटी पॉइंट तक जाने के लिए जिस रास्ते से आप जाइएगा वहाँ पर आपको बहुत सारे शॉप देख सकते हैं। यहाँ से आपको सामान भी खरीद सकते हैं जैसा आपको इच्छा करे। आप बहुत सारे सोविनियर्स के शॉप है, कपड़ों के शॉप है, जैसा आपको मन करे आप यहाँ से खरीद सकते हैं।
दोस्तों आप यहीं से फेरी का टिकट ले सकते हैं 75 रुपये पर पर्सन अप डाउन और विवेकानंद रॉक मेमोरियल और वो तिरुवल्लुवर जी का स्टैचू का। चलिए चलते हैं और घूम रहे हैं। दोस्तों ये रहा जेटी पॉइंट, यहीं से जेटी जाती है रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर जी का स्टैचू के लिए। और सामने आप देख सकते हैं वो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और वो स्टैचू, कितना भव्य लग रहा है वो संत तिरुवल्लुवर जी का स्टैचू। कुछ ही देर में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और आपको सामने से इन दोनों जगहों को दिखाएंगे। चलिए इसके बीच मैं आपको बताता हूँ कन्याकुमारी घूमने का बेस्ट टाइम। वैसे तो हम लोग आए हैं मार्च के एंड में, कह सकते हैं काफ़ी धूप है। आप लोग बेटर होगा नवंबर एंड से फेब लास्ट तक मैक्स टू मैक्स आए। हम मुझे तो ब्लॉगिंग करनी है, किसी समय भी आना पड़ सकता है, लेकिन आपके लिए बेस्ट होगा नवंबर एंड टिल फेब एंड। और मैं कहूँ कैसे आए कन्याकुमारी, तो बाई ट्रेन आप कहीं से भी आ सकते हैं। अगर आपका डायरेक्ट ट्रेन ना हो तो चेन्नई तक आ जाए, चेन्नई से फिर कन्याकुमारी के लिए ट्रेन ले लें। फ्लाइट से आना हो तो त्रिवेंद्रम तक फ्लाइट से आए, फिर बाय रोड 90 किलोमीटर जो है आप आराम से आ सकते हैं। और रोड कनेक्टिविटी तो ऑल ओवर इंडिया से है, जैसे भी हो आप कन्याकुमारी आए, देश की शान है, साउदर्न मोस्ट टिप पे है, लेकिन जो कश्मीर जाना चाहते हैं वो कन्याकुमारी भी आए, पूरा इंडिया को घूमें और इंजॉय करते रहें इस पूरे ट्रिप को हमारे साथ रैंडम ट्रैवलर अमित के साथ। और दोस्तों देखिए हमारा जेटी आ चुका है, इसी पर हम लोग जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक। दोस्तों जेटी से हम लोग आ चुके हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और मेमोरियल विजिट करने के लिए हमें यहाँ से 30 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। चलिए टिकट लेते हैं और घूमते हैं ये खूबसूरत सा रॉक मेमोरियल। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो खूबसूरत सा विवेकानंद रॉक मेमोरियल, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसके इनसाइड, तो ऊपर तक जाएंगे वहाँ तक आपको मैं व्यू दिखाऊंगा, लेकिन अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा। 1892 में शायद 25, 26, 27 दिसंबर था जब कन्याकुमारी का मेनलैंड से 500 मीटर दूर यहाँ आकर स्वामी विवेकानंद जी 3 दिन तपस्या किए थे और उन्हें एनलाइटमेंट मिला था। उसी जगह को मेमोरियल बनाने के लिए 1970 में इसे बनाया गया था। चलिए ऊपर चलते हैं घूमते हैं, बट मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा ज़्यादा क्योंकि कैमरा प्रोहिबिटेड है। आगे तो फोटोग्राफी निषेध है। चलिए बताते हैं अंदर क्या है। एक विवेकानंद जी का स्टैचू जो काफ़ी भव्य है, संग में ही शारदा माँ और स्वामी रामकृष्ण परमन जी का भी फोटो है। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ आपको मन की शांति मिल सकती है, चाहे तो यहाँ बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, भगवान में अपना ध्यान लगा सकते हैं। जो भी कन्याकुमारी आए ज़रूर से इस जगह पर आए और विवेकानंद जी, स्वामी रामकृष्ण परमन और शारदा माँ का दर्शन करें। चलिए इस एरिया को और भी घूमते हैं। दोस्तों रॉक मेमोरियल के उल्टी साइड में ही एक मंदिर है। मान्यता ये है यहीं पर पार्वती माँ ने शिव जी की तपस्या की थी ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके, उनका साथ मिल सके। अंदर में एक पत्थर पर एक चरण का निशान है जो कि यहाँ के लोग मानते हैं कि पार्वती माँ का चरण है। चलिए अंदर चलते हैं और माँ के आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ भी फोटोग्राफी निषेध है, सो अंदर का चीज़ तो नहीं दिखा पाऊँगा, तब तक आप बाहर का व्यू लीजिए और यहाँ पर आने का मन बनाइए। दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल से हम लोग चले आए हैं दूसरा रॉक जहाँ पर तिरुवल्लुवर जी का 41 मीटर हाई स्टैचू है। मैंने चेन्नई में आपको वल्लुवर कोट्टम दिखाया था, वहाँ पर रथ रूप में मंदिर था इसी तिरुवल्लुवर जी का,
जो एक बहुत बड़े महात्मा थे, पोएट थे, फिलोसोफर थे और साउथ इंडिया में उनकी बहुत मान्यता है। चलिए चलते हैं और स्टैचू को सामने से देखते हैं। दोस्तों हम सीढ़ियों से ऊपर आ चुके हैं और ऊपर पहुंच कर हम लोग थिरुवल्लुवर जी के चरण तक आ चुके हैं। इसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते, यहीं से उनके दर्शन कर हमें वापस नीचे चले जाना है। 2000 साल में एम करुणानिधि ने इसे इनॉग्रेट किया था और तब से यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं और इनके दर्शन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और घूमते हैं कन्याकुमारी में और भी दर्शन स्थल। दोस्तों कन्याकुमारी को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन का एक साथ संगम होता है और ये जगह को फिर कन्याकुमारी कहते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना बड़ा समुद्र है हमारे दक्षिण भारत की तरफ। जरूर से आए कन्याकुमारी घूमें और कहे हर हर महादेव। फाइनली विवेकानंद रॉक और थिरुवल्लुवर जी स्टैचू का ट्रिप खत्म हुआ। जेटी से हम लोग वापस तट पर आ चुके हैं। चलिए घूमते हैं यहाँ का बाजार क्योंकि अभी कन्याकुमारी मंदिर शायद द्वार बंद है, वहाँ 4 बजे शाम को खुलेगा। उनका दर्शन हम शाम को करेंगे। अभी घूमते हैं बाजार और आपको भी घुमाते हैं कन्याकुमारी। दोस्तों गर्मी का मौसम हो और आप डाब ना पिए, कन्याकुमारी आकर तो आप जरूर से डाब पिए, 50 रुपीज़ पर डाब पानी वाला। चलिए इसे पीते हैं और कुछ देर में बाजार घूमते हैं। ये ताल का जूस है जो खाने में बहुत मीठा है, बहुत अच्छा भी है और इसका प्राइस है 60 रुपीज़। दोस्तों बज रहा है 2:00, लंच टाइम हो गया और हम लोग चले आए हैं होटल सरवना, ऑथेंटिक वेजिटेरियन फूड। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ खाने में क्या मिलता है और आपको भी बताते हैं। हम लोग अभी होटल सरवना में हैं जहाँ पर समझ लीजिए डूबती नैया को एक तिनके का सहारा जैसे बोलते हैं। यहाँ एक एसी होटल हमें मिला है। उफ इतनी गर्मी से हम लोग आए और अभी एसी होटल में बैठ के हम लोग जब खाना खाने जा रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला अभी लग रहा है। दोस्तों तो हमारा लंच आ चुका है, सामने आप देख सकते हैं राइस है, चपाती है, बिरयानी है, जीरा आलू है, दाल तड़का है, पापड़ है। चलिए लंच करते हैं और बताते हैं इस लंच का टेस्ट कैसा है, उसके बाद फिर घूमेंगे हम लोग कन्याकुमारी। दोस्तों खाना सरवना रेस्टोरेंट का काफ़ी टेस्टी था, आप इधर आए तो यहाँ पे लंच या डिनर कर सकते हैं। अभी बज रहा है 3:10, माता का मंदिर सामने ही है लेकिन अभी द्वार अभी भी नहीं खुले हैं। 4 बजे के अराउंड द्वार खुलेगा, कुछ देर और इंतज़ार करना होगा फिर माता के दर्शन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्याकुमारी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट दैट इज़ सनराइज पॉइंट। सुबह सामने से होता है सनराइज, टूरिस्ट यहीं पर लाइन से बैठे होते हैं और सनराइज होते हुए देखते हैं। बाकी अभी कुछ टूरिस्ट यहाँ नीचे नहा रहे हैं। काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। उधर आप कुछ बाजार भी देख सकते हैं जहाँ से बच्चों के लिए खिलौने, बाकी सोविनियर्स भी ले सकते हैं। सामने टॉयलेट भी है, समुद्र में नहाने के बाद आप टॉयलेट का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी साफ सुथरी जगह है। आई एम इन्जॉइंग दिस कन्याकुमारी ट्रिप। आप भी इस ब्लॉग को इन्जॉय कीजिए और जब हो पाए कन्याकुमारी ज़रूर से घूमने आइए। दोस्तों कन्याकुमारी के सनराइज पॉइंट पर आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर में है, आप चाहें तो इस जगह पर आएं और इनके दर्शन कर सकते हैं। शंकराचार्य जी का जो मंदिर है उसके पास में ही 2004 में जो सुनामी आया था वो रिलेटेड हमें बनाया हुआ है। आप उसे भी देख सकते हैं, अभी तो गेट बंद है पता नहीं क्यों, लेकिन जब ये खुला रहेगा आप कन्याकुमारी आएँ।
दोस्तों कन्याकुमारी के सनराइज पॉइंट के पास में ही है महात्मा गांधी मंडपम। महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को 12 भाग में विभाजित किया गया था और उनमें से एक पार्ट को इसी कन्याकुमारी के समुद्र में विसर्जित किया गया था, लेकिन उसे विसर्जित करने से पहले कुछ समय के लिए यहीं पर रखा गया था। उसी के मेमोरी में 1956 में इसे बनाया गया था। चलिए चलते हैं और इसे देखते हैं। यहाँ फोटोज द्वारा महात्मा गांधी के जीवन काल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों महात्मा गांधी अपने जीवन काल में दो बार कन्याकुमारी आए थे, 1925 और 1937 में। उसी जगह पर सीलिंग में आप एक फोल देख सकते हैं, 2 अक्टूबर जो उनका बर्थडे है उस दिन सूरज की किरणें उस होल से डायरेक्ट वहीं पर पड़ती है, वही अरेंजमेंट किया गया ताकि वहाँ सूरज की किरणें पड़े। चलिए बाहर चलते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये महात्मा गांधी मंडप 1956 में बनकर तैयार हुआ था। चलिए ये जगह घूमना समाप्त हुआ, बढ़ते हैं, बज रहा है 4:10 बाकी है, चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4 और हमारी कन्याकुमारी माता के द्वार खुल चुके हैं। इन्हें देवी भगवती अमर भी कहते हैं। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, सो मैं अंदर के दृश्य आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन खुद के लिए और आपके लिए भी माता से आशीर्वाद मांगूंगा। चलिए मैं अंदर जाता हूँ, फिर आपसे कुछ देर में मिलता हूँ। दोस्तों मंदिर प्रांगण में माता के बहुत ही भव्य दर्शन हुए। 5 मिनट माता के सामने खड़े होकर हमने प्रार्थना किया, आशीर्वाद मिला हमें। मेल कोई भी अंदर टी शर्ट्स या शर्ट पहन के नहीं जा सकता, उन्हें खाली बदन माता के दर्शन करने होंगे। आप 150 रुपये का प्रसाद देकर माता पे अर्पण कर सकते हैं। माता को चंदन का श्रृंगार किया गया है, उनके नाक और मुख में डायमंड लगा हुआ है। माता से आशीर्वाद मिला, चलिए अब वापस अपने होटल की तरफ चलते हैं। दोस्तों जब मैंने आज की दिन की शुरुआत की थी तब मैंने आपको कहा था कि सुबह 6 बजे मोड़ दिखाई दिया था पूरे इस कॉम्प्लेक्स में। अभी जब हम लोग होटल रिटर्न आए हैं तो वापस से इतने सारे मोड़ के दर्शन हुए। सामने हैं 1, 2, उधर 1, 3, क्या ही कहें। TTDC का ये होटल काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इतने सारे मोड़ सामने से दर्शन होना काफ़ी खूबसूरत है। आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए इस मोर के व्यू को। दोस्तों वापस रूम से फ्रेश होकर मैं चला आया हूँ आज के शाम की सबसे खूबसूरत चीज़ दिखाने के लिए आपको, सनसेट एट कन्याकुमारी। आज का दिन काफ़ी खूबसूरत रहा, आपने पूरा एपिसोड होपफुली अभी तक देखा होगा। और ये खूबसूरत सा हमारा समुद्र जो अब बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन सी मिलकर बना हुआ है, सामने आप खूबसूरत सा सूरज देख सकते हैं। इसी खूबसूरत से व्यू के साथ आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
कल फिर निकलेंगे कन्याकुमारी के आसपास के जगह आपको दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे कल सुबह, अभी के लिए बस बाय बाय, सी यू टुमारो अगेन।